इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भारी बारिश के बाद मुंबई के चेंबूर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत, कई घायल। मुंबई के विक्रोली में भी हुआ दर्दनाक हादसा, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग गिरने से 8 लोगों की हुई मौत। मुंबई हादसे पर पीएम ने जताया शोक, मृतकों के परिवार को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, घायलों को 50,000 दिए जाएंगे। मुंबई के शिवड़ी में भी हुआ हादसा, भारी बारिश से जमीन धंसने से गाड़ियां फंसी। मुंबई के निचले इलाकों में जलभराव, हिंदमाता, सायन, किंग सर्कल जैसे इलाकों में पानी में डूबे। बारिश से मुंबई के नाला सोपारा में भी डूबे नजर आए दुकान और मकान, फूल मंडी पूरी तरह से बर्बाद। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उद्धव सरकार और बीएमसी पर साधा निशाना, कहा 25 साल में मुंबई को तुम्बई बना डाला। बीजेपी नेता आशीष शेलार की मांग, बीएमसी पूरी तरह नाकाम, उद्धव ठाकरे बीएमसी की जांच कराएं। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर की तबीयत बिगड़ी, चेस्ट पेन के बाद अस्पताल में भर्ती। पुणे में भी लगातार भारी बारिश, मौसम विभाग ने कल भी बारिश का अलर्ट जारी किया। मुंबई में बाल बचे एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक पार करने के दौरान इंजन की चपेट में आए, ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बचाई जान। गुजरात के वलसाड़ में जलभराव से परेशान हुए लोग, कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में घुसा। पटना में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, विधानमंडल भवन में भी घुसा पानी। बिहार विधानमंडल भवन के आसपास के इलाके दरिया में तब्दील हो गए, पानी में रेंगती दिखी गाड़ियां। पटना सचिवालय पुलिस स्टेशन में भी घुसा बारिश का पानी, कई फीट पानी में डूबी पुलिस की गाड़ियां, राजधानी का हाल बेहाल। अमरिंदर के समर्थन में आए कांग्रेस के 10 विधायक, कहा कैप्टन पंजाब के सबसे बड़े नेता, उन्हें निराश न होने दें। विधायकों ने बयान जारी कर कहा अमरिंदर की वजह से ही कांग्रेस को मिली पंजाब की सत्ता, कलह से पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा। पंजाब कलह पर आज भी चर्चाओं का दौर, बीजेपी दिल्ली में प्रताप सिंह बाजवा के घर पर हुई पंजाब कांग्रेस के सांसदों की बैठक। मीटिंग के बाद बोले प्रताप सिंह बाजवा, हाईकमान का फैसला हमें मंजूर होगा, सभी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पंजाब कांग्रेस में होगी एक मीटिंग, सुनील जाखड़ ने कल बुलाई कांग्रेस के विधायकों की बैठक। लुधियाना के खन्ना में नवजोत सिंह सिद्धू का जबरदस्त स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। सिद्धू की विधायकों के साथ मुलाकातों का दौर जारी, 6 विधायकों के साथ एमएलए मदन लाल से मिलने उनके घर पहुंचे। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक 30 विधायकों से की मुलाकात, सिद्धू की मीडिया सेल ने जारी की तस्वीरें। अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर का अमरिंदर सरकार पर हमला, कोरोना और किसान मुद्दों को छोड़कर कांग्रेस झगड़े में बिजी। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी समेत सरकार के आला मंत्री बैठक में हुए शामिल। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने कहा सरकार हर मुद्दे पर नियम के मुताबिक चर्चा करने को तैयार। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किसानों के मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के फैसले को मानेंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने की अलग से मीटिंग, संसद में रणनीति को लेकर हुई चर्चा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, किसान और वैक्सीन के मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा में काम रुको प्रस्ताव लाएगी। अकाली दल ने कहा सदन तब तक चलेगा जब लोगों के मुद्दे हल होंगे, किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए की हुई बैठक, पीएम मोदी ने कहा सभी सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा में शामिल हों। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर के पास किसान नेताओं के साथ की बैठक, किसान संसद से 200 मीटर दूर अपनी संसद चलाने पर अड़े। किसानों को दूसरी जगह प्रदर्शन के लिए मनाने के लिए जुटी पुलिस, 22 जुलाई से दिल्ली में संसद का घेराव करने का किया है ऐलान। यूपी चुनाव से पहले मायावती ने खेला ब्राह्मण कार्ड, 23 जुलाई को अयोध्या में होगा ब्राह्मण सम्मेलन। मायावती का मोदी सरकार पर हमला, कहा केंद्र सरकार से जनता त्रस्त, संसद में जनता के मुद्दे उठाएगी बसपा। मायावती ने कहा सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान दे, विपक्ष का एक होना समय की मांग। दलितों के मुद्दे पर मायावती हमलावर, कहा कांग्रेस बीजेपी दोनों ने दलितों का शोषण किया। दिल्ली पुलिस ने नंदू गैंग के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। गाजियाबाद में यूपी पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक बदमाश घायल, दूसरा फरार। असम के नौगांव में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने जब्त किए गए नशीले पदार्थों पर आज चलवाया बुलडोजर। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा ड्रग्स तस्करी और ड्रग्स के उत्पादन को रोकना मेरा राष्ट्रीय कर्तव्य है। कोलकाता पुलिस ने एक ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 25.5 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद। वडोदरा में पेट्रोल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, ONGC की तेल पाइपलाइन में छेद कर तेल की चोरी करते थे। देश भर में कोरोना के 41,157 नए मामले, 24 घंटे में 518 मरीजों की मौत। कर्नाटक में जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू, 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल और थिएटर खुलेंगे। तालिबान की मदद को अफगानिस्तान पहुंचे 10,000 पाकिस्तानी लड़ाके, ISI ने भारत की मदद से बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दिया आदेश। अमेरिका के माकलीविल में भीषण आग, 82 स्क्वायर किलोमीटर में फैली आग। पश्चिमी यूरोप में बाढ़ से अब तक 180 लोगों की मौत, नेदरलैंड में बाढ़ प्रभावितों को घर लौटने का आदेश। कोलंबो में पहले वनडे में श्रीलंका ने भारत को दिया 263 रन का लक्ष्य, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल ने लिए 2-2 विकेट, कुलदीप यादव ने भी लिए 2 विकेट।
ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए मैरी कॉम, पीवी सिंधु समेत कई खिलाड़ी टोक्यो पहुंचे। 23 जुलाई से शुरू होगा खेल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।